ते बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार सोलो सत्तो डाकनी जोगनी बंधो दिए लोहार गलाए ए घर भेगे जे जो नाशेश्वर महादेव त्रिशूल भेगे गए तार भुके लाग तार भुके लाग तार भुके लाग ये बंधन मंत्र आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था जो भी तांत्रिक होता है जो भी अघोरी होते हैं उनका अपना एक बंधन मंत्र होता है उससे वे शरीर को बांध लेते हैं और कोई भी प्रेत भूत पिचास, यक्ष गंधर्व और राक्षस और आज जो हमारा विषय जिन्नात उनके शरीर को छू नहीं सकता आज हम बात करने वाले हैं जिन्नातों पे। बहुत ही बड़ा एक आडंबर रचा गया है कि जिन लग जाते हैं जिन्नात लग जाते हैं बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलवी आते हैं जिन्नात को झाड़ते हैं दूसरी दुनिया है हमारे चारों बगल ऐसा हमें बताते हैं तो ऐसे तो साइंस मानता है कि बहुत सारे एलियंस इस पृथ्वी पर विचरण करके गए हैं उसी में एक राख था राख अरब में आज से कर ढाई हजार साल पहले पहले आया था और उसी से उत्पत्ति हुई थी जिन्न और जिन्नातों की लेकिन मुसलमान मानते हैं कि इबलिस एक जिन थे जो कि उनके अल्लाह जो अल्लाह मतलब जो भगवान है जो हमारे परम पिता परमेश्वर है क्रिश्चियंस में और हम लोगों में परब्रह्म है उनकी सेवा में लगे हुए थे तो ये इबलिस जिन जिन्नात थे और जिन्नात आग से बने हुए थे तो इंसानों के बनने से बहुत समय पहले से ही जिन्नात इस पृथ्वी पर विचरण करते थे जब इंसानों को बनाया गया तो इब्लिस गुस्सा गया और वो शै, शैतान हो गया तो ये आग से बने हुए जो जिन होते हैं इनको भगवान ने उनके ग्रंथों के हिसाब से इंसानों की तरह फ्रीविल दिया था जो एंजल्स होते हैं उनको फ्रीविल नहीं रहता जो भगवान बोलते हैं वही उनको करना होता है लेकिन जिन्नाथ में भी इंसानों जैसा विल होता है भगवान को मानो चाहे नहीं मानो तो जो नहीं मानते हैं उनको ये बुरा जिन बोलते हैं खबीज बोलते हैं और उसके बाद एक पूरा आडम्बर चलता है जिन्नातों को निकालने का आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखिएगा कि ऐसे हाथ पर रुमाल डाला और उसके बाद जिन को भगाने के लिए शुरू हो जाते हैं ये अपना अपना कुछ कुछ पढ़ते हैं उसके बाद बोलते हैं देखो अब जिन भाग रहा है उसमें ये करते क्या हैं कि आ, वो रुमाल के नीचे एक्प्रेशर का पॉइंट्स को दबाते हैं तो किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है किसी के कमर में दर्द है या किसी के कोई भी अंग में दर्द है तो जब वो प्रेशर पॉइंट दबता है तो आपको भी पता बहुत जोर का दर्द होता है अब उस दर्द से बचने के लिए लोग बोल देते हैं हाँ भाई मुझ में जिन है मुझ में ये है वो है कि भाई मेरा हाथ तो छोड़ो है प्रेशर पॉइंट को इतनी तो देर तक कोई दबा के रखता है क्या आप नाइन्टी परसेंट वीडियो में देखोगे तो वो बताएगा कि मैं हिंदू जिन हूँ ठीक है और मतलब हिंदू धर्म को कैसे भी बदनाम करने के लिए ये लोग जिन्नातों का एक नया फौज अभी लेकर के चल रहे हैं। बहरहाल हमारा वो विषय नहीं है कि हिंदू जिन होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहली बात कि हिंदू धर्म में जिनों की जिनका कोई मान्यता नहीं है हम मानते हैं कि जैसे इंसान है वैसे ही यक्ष हैं गंधर्व है राक्षस है ब्रह्म राक्षस है बेताल है कूसमांड है भैरव है हाँ बहुत सारे गण हैं इंसानों की तरह ही जिसको हम नहीं देख सकते हैं ठीक तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जो आग का शटर स्पीड होता है हमारा तो उस शटर स्पीड के दायरे में जो चीज़ आएगी वही हम देख सकते हैं जैसे कि एक उड़ते हुए मधुमक्खी को एक कछुआ कभी नहीं देख सकता क्योंकि मधुमक्खी काफ़ी तेज़ उड़ती है और कछुआ बड़ा धीरे देखता है उसी तरीके से हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ चलती हैं या बहुत धीरे चलती हैं जिसको हम नहीं देख सकते जरा बात को दूसरी चीज़ कि हम लोग थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट में लेकिन बहुत सारे ऐसे टोटल मेटाफिज़िक्स में माना गया है कि नौ डायमेंशन्स होते हैं तो अलग अलग डायमेंशंस का अलग अलग यूनिवर्स बनता है और हर यूनिवर्स में अलग अलग एंटिटीज़ रहती है ठीक है तो अब आते हैं मूलभूत बात पे कि हम जिन्नात या किसी भी चीज़ से अपनी रक्षा कैसे करें तो देखिए हम लोग हिंदू में एक टर्म यूज़ करते हैं प्रेत बाधा प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोग भी करते हैं लेकिन प्रेत का मतलब होता है अपने पूर्वज ठीक है प्रेत मतलब कुछ आ, नेगेटिव फोर्स नहीं होता है ठीक है तो आ, ये जो जिन्नात कहते हैं या फिर एलियंस कहते हैं या फिर हमारे में आ, के, प्रेत बाधा कहते हैं ये होता क्या है ठीक है देखिए दो चीजें होती हैं एक भूत होती हैं भूत भूत होते हैं भूत का मतलब हुआ वो इंसान या वो सोल जो पृथ्वी पर विचर चुका हो वो इस पृथ्वी पर चला है और वो इंसान था तो जब एक भूत किसी को पजस करता है तो वो शरीर के बाहर रहता है और उसको शरीर के बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है जैसे कि आप अगर शराबियों की सभा में बैठो तो आपको भी शराब पीने का मन करेगा वैसा वो मन बनाता है भूत लेकिन जो एंटिटीज़ होते हैं जो आपके जैसे और मेरे जैसे जीवंत जीवंत जीव होते हैं वो इंसान के शरीर में भी घुस सकते हैं ठीक है तो आपने बहुत कुछ देखा होगा कि भाई मौलवी ने ऐसे झाड़ दिया आप देख रहे होंगे कि जीजस क्राइस्ट के पास जाकर के बोलता है कि मुझ में शिव ने मुझे पॉजस कर रखा है तो खैर ऐसे ही बदतमीज चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं सनातन धर्म के विरोध में लेकिन मैं आपको मूलभूत बातें बताता हूँ ये जिन्नात और खबीज से कैसे बचा जाता है ठीक है पहला तो एक है कि हमारा तंत्र और हमारा धर्म इतना मजबूत है ठीक कि किस अगर आप सिर्फ ऐसे ही नित्य पूजा कर्म करते रहे तो कोई भी जिन्नात या खबीज आपको नहीं पकड़ सकेगा लेकिन मैं अभी बहुत स्पेसिफिक होने वाला हूँ कि मुसलमान आफतों से कैसे बचा जाए ठीक है इसका सबसे पहला बात ये है कि आप लोग या <coughs> आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको कभी बाल खोल करके बाहर या इत्र लगा के बाहर घूमने से मना कर करिए ठीक है दूसरा किसी भी पेड़ के आसपास में या किसी दीवाल जहाँ दो दीवाल मिलता हो ऐसी जगह पर आप कभी भी मूत्र विसर्जन ना करें या कोई भी गंदगी ना फैलाएं क्योंकि ये जो जगह होता है ये दो डायमेंशन के मिलने का जगह होता है तीन डायमेंशन के मिलने का जगह होता है और यहीं से ये जो दूसरी दुनिया के छोटे जीव होते हैं ये हमारे दुनिया में प्रवेश करते हैं ठीक है तो पहला तो हो गया कि इतर और बड़े बाल खोल के कहीं ना घूमें इसको ये एज़ ए इन्विटेशन लेते हैं दूसरा हो गया कि कहीं भी जहाँ पे दो या तीन दीवार मिल रहा हो वहाँ पर आप किसी भी तरीके का गंदगी ना फैलाएं ठीक है वहाँ पे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ना करें कि आ जाओ या ऐसा ये इन सब शब्दों से बचना चाहिए कभी भी आप बाहर अगर कुछ हरकतें कर रहे हैं तो तीन बार चुटकी बजाएं या ताली मारें और तब फिर आप मूत्र विसर्जन करें या जो भी क्रिया आपको करनी है वो करें उससे वो लोग वहाँ से हट जाते हैं ठीक है थीके? लेकिन मुसलमानी तंत्र को काटने का या मुसलमानी आत्माओं को या मुसलमानी जिन्नातों को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है भैरव भैरव एक ऐसे देवता हैं जो कि सबको जगह पर ला देते हैं ठीक है तो मैं अभी आपको एक भैरव का एक यंत्र बनाना सिखाऊंगा उस यंत्र से क्या होता है कि अगर आप उसको धारण कर लेंगे तो आपके घर में आपके घर परिवार में या आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से ही ये मुसलमानी जिन्नात, जिन भूत प्रेत ये सब भाग जाएंगे ठीक है तो इसको करते कैसे हैं इसको करते ऐसे हैं कि आपको सबसे पहले तो आशमशान जाना होगा ठीक है हर रोज़ आप आशमशान जाएँ ये सही नहीं होता अमावस्या जो है सबसे उपयुक्त दिन होता है आशमशान जाने का और आप जब आशमशान जाएंगे वहाँ पे एक दिया ले जाएँ तीन अगरबत्ती ले जाएँ वहाँ बैठे खुले फर्श पे आसन ना लगाएं और हाथ में एक शुक्र दंत रखें सुकर दंत क्या होता है सुकर दंत वाइल्ड बोर होता है वाइल्ड बोर समझते हैं आप जंगली सुअर ठीक है तो वाइल्ड बोर में वराह भैरव बैठते हैं आकर के ठीक है तो आप एक हाथ में राइट हैंड में आप सुकर दंत रख लें पहले अस्मशान के सब शक्तियों की पूजा कर ले दीप जला ले अगरबत्ती दिखा ले उसके बाद राइट हैंड में उस सुकरदंत को रख लीजिए अभी जो स्क्रीन पे मंत्र दिया गया है उस सुकरदंत पे नज़र गड़ा कर ठीक है नज़र नहीं हटनी चाहिए 108 बार आप इसको पढ़ेंगे मन में और उसके बाद इस सुकर दंत को पे तीन बार फूकेंगे अगर इस 108 बार में एक बार भी आपका पलक झपक जाए तो भाई साहब ये पेंसिलिन वाला हिसाब है अगर एक डोज रुका तो आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा तो एक सौ तक आप हाथ में सुखरदंत रख के इसको पढ़ें और उसके बाद इसको फूक दें इतना करने के बाद इसको आप धारण करें ये एक रामबान इलाज ठीक है आप आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और सुरक्षा के टिप्स दूंगा तब तक के लिए अलग आदेश अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वही पुरानी बात कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करें जिसमें रूद्रनाथ जी सर्च करें मैं आपको मिलूंगा उसमें और जब उसमें आप कॉल बटन दबाएंगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी समस्या का सामना तो, मैं आपको बहुत अला कर